हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए पीजीटी फिजिक्स 2021 पेपर को सॉल्व लेकर के आए हैं। बुकलेट सीरीज ए है हमारी और कोड है PG3 पीजीटी फिजिक्स। इसमें हम स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीजीटी फिजिक्स का 2021 का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से कोई सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है और बाकी रॉन्ग है, और उसी रॉन्ग को हमें इंडिकेट करना है। रेडियो एक्टिविटी मेक्स इट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश द एज ऑफ मैनी जूलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। ये हमारा राइट है, क्योंकि रेडियो एक्टिव से क्या होता है, हम एज का पता करते हैं। सेकंड देखते हैं, रेडियो कार्बन इज द बीटा एक्टिव। तो जो रेडियो कार्बन इज द बीटा एक्टिव का जो आइसोटोप है वो C614 होता है, ये भी राइट है। डी देखते हैं, कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियर चीफली प्रोटोन। तो जो कॉस्मिक रेज है वो हाई एनर्जी पर हमें क्या मिलता है, एक विशेष प्रोटॉन मिलता है, ये भी राइट है। लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट रेशियो ऑफ रेडियो कार्बन टू ऑर्डिनरी कार्बन। ये पोर्शन हमारा रॉन्ग है, तो हमारा इसका आंसर यही होगा, फर्स्ट का सी। अब हम देखते हैं सेकंड, द डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस RP म्यूचुअल कंडक्टेंस GM एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू ऑफ ट्रायोड वाल्व आर रिलेटेड टू अर्थ ईच अदर एज। तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है म्यूजिकल टू RP इंटू GM। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन x = 5 sin 0.2 πt + 0.5 π द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एच। अब इस इक्वेशन में हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा कि कंपेयरिंग इक्वेशन, जो हमें गिवन इक्वेशन है इसको हम इससे कंपेयर कर देंगे विद इक्वेशन x = a sin ωt + φ। अब ओमेगा के फॉर्म में ही हमारा टी आता है टाइम पीरियड, तो ओमेगा टी इक्वल टू कितना, 0.2 πt। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की जगह हम पुट कर देंगे 2π/T इक्वल टू 0.2 π, पाई से पाई फिर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, टी इक्वल टू 2/0.2। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। तो थर्ड का जो आंसर है हमारा वो ए है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ कार मूविंग एट 30 m/s इज अप्रोचिंग अ फैक्ट्री। एक कार है जो 30 m/s से एक फैक्ट्री की तरफ अप्रोच कर रही है, हुज विस्टल हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 Hz। जो फैक्ट्री की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 Hz है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड एयर इज 340 m/s, व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ विस्टल एज हियर्ड बाय द कार ड्राइवर। जो कार ड्राइवर जो विस्टल की फ्रीक्वेंसी को सुनेगा वो हमारी क्या होगी। अब यहां पर देखते हैं, ये हमारी कोई कार है और ये कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से 500 Hz की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो साउंड की डायरेक्शन फैक्ट्री से कार की तरफ होगी और कार इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर साउंड की डायरेक्शन के अपोजिट किसी की डायरेक्शन है तो इसे हम माइनस में लेते हैं, तो सोर्स ये हो गया हमारा सोर्स, तो VS = कितना हो गया, 0, क्योंकि फैक्ट्री रेस्ट पर है। ये इसे ऑब्जर्व करना है, कितनी फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, 500 की। तो ये ऑब्जर्वर जो है डायरेक्शन ऑफ साउंड के अपोजिट जा रहा है, तो इसको माइनस मिलेंगे, -30 m/s। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, f = V - V0 / V - VS = f हमारा 500 है, V हमारा 340 गिवन है, और V0 माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 30/340, VS रेस्ट पर है, तो -0। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 500 × 370/340, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आएगा और डिवाइडेड बाय 7, जब हम डिवाइड करेंगे तो 544 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार 544
फोर सही है, जो इसका ऑप्शन है सी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में से कोई हमारा एक सही, हम देखते हैं किस तरीके से सही है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि गैस में जो प्रेशर होता है पी इज इक्वल टू 1/3 mn वी बार स्क्वायर अपॉन वी, जहां पर वी बार एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है, एन क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एम क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो पी इज इक्वल टू 1/3, अगर एम और एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एटॉमिक मास बन जाएगा, और वी बार स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम देखो इस ये वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर बार होता है, जब स्क्वायर कर देंगे तो वी आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह पे वी आर एम एस पुट कर देंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, पी इक्वल टू 1/3 m वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन वी, यहां पर ये वी वैल्यू में है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर हो जाएगी। अब इसको डिवाइड कर दो, पर यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो के अपॉन वी इक्वल टू हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, और पीछे से हम वी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर 1/3 m वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस कैंसिल हो जाएगा, पी पहुंच जाएगा ऊपर और 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमारा बन जाएगा 3/2 p। अगला सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है, सिक्स क्वेश्चन पूछा था एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो एंडरसन ब्रिज का जो मेजरमेंट यूज के लिए किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशियल केस, जो न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है वो स्टीफन से आया है, किससे आया, स्टीफन से, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, स्टीफन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ स्टील हीटेड 200 डिग्री सेल्सियस इज लेफ्ट इन अ रूम टू कूल, विच ऑफ द कर्व्स शोन इन फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर, तो इसमें जब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इज लेफ्ट इन अ रूम टू कूल, एक 100 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का टेम्परेचर, हीटेड है, और वो रूम में रखी गई है कूल करने के लिए, तो इसमें कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट है हमारा, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो अगर हम इसको बाई एक्सिस मान लें और इसे एक्स एक्सिस, तो डीवाई डी एक्स इसका टू क्या होगा, डी टी अपॉन टी, टी यहां पर क्या है टेम्परेचर, स्मॉल टी क्या है टाइम। अब हमें क्या एनर्जी देखनी है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो ई इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी डी टी सिग्मा ई ए टी की पावर 4, जब टी की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा आगे, 3t की पावर 3, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन टी। अब देखो ये चीज जब नीचे आएगी इसके, डी ई अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी, और ये चीज नीचे आ जाएगी, तो ये चीज पूरी हम कांस्टेंट ले सकते हैं, जब कांस्टेंट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टी क्यू डी टी डी टी इजकल टू कांस्टेंट, ये उधर जाएगा तो टी की पावर 3 अपॉन में आ जाएगी, और डी टी अपॉन डी टी क्या बन गया, एक स्लोप बन गया, क्योंकि डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है, तो डी टी अपॉन डी टी क्या हो गया, स्लोप हो गया, तो स्लोप प्रोपोर्शनल हो गया 1/t की पावर 3। अब देखो जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो स्लोप डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। अब हम देखेंगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, रूम में ला करके उसे क्या किया जा रहा है, कोल्ड किया जा रहा है, कूलिंग की जा रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्लोप बढ़ेगा, तो इसमें ए बी सी में किसका स्लोप ज्यादा होगा, ए का, तो ए ऑप्शन हमारा इट इज करेक्ट, क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 11 इज लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ अनदर एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर जेड इज 4 लैम्डा, देन जेड, हमें जेड फाइंड करना है इसमें, तो इसमें देखिए क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या है, जेड इक्वल टू 11 है और वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, सेकंड में जेड फाइंड करना है और वेवलेंथ 4 लैम्डा है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी का स्क्वायर, जहां पर न्यू क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी है, अगर हम के अल्फा की बात करते हैं तो के अल्फा के लिए बी की वैल्यू 1 हो जाती है, तो न्यू इक्वल टू क्या होगा, ए जेड माइनस 1 का स्क्वायर,
न्यू का फॉर्मूला लेमडा के फॉर्म में क्या होगा, सी अपॉन लेमडा इजकल टू ए जेड माइनस वन का स्क्वायर। अगर हम लेमडा यहाँ से फाइंड करते हैं तो लेमडा इजकल टू आता है सी अपॉन ए जेड माइनस वन का स्क्वायर, और सी अपॉन ए हमारा एक क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो लेमडा प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको हम दोनों कंडीशनों में फिट कर सकते हैं, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इजकल टू, ये प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा टू का जेड इधर आएगा और लेमडा वन का जेड इधर आएगा, तो जेड टू माइनस वन का स्क्वायर अपॉन जेड वन माइनस वन का स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन में लेमडा वन लेमडा, सेकंड कंडीशन में फोर लेमडा इजकल टू जेड माइनस वन का स्क्वायर अपॉन, और फर्स्ट कंडीशन में जेड कितना इलेवन माइनस वन का स्क्वायर, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर ये हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट वन बाई फोर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जेड इजकल टू सिक्स आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है हमारा वो है सी। टेन क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज लेबल्ड 15 वॉट 220 वोल्ट, हाउ मच करेंट डज दिस हीटर ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। अब इसमें क्या है, ये पावर दे रखी है, ये पावर है, ये वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज है, तो हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सोर्स वोल्टेज से करेंगे। तो पावर और वोल्टेज दे रखी, करंट फाइंड करनी है हमें, तो फॉर्मूला इसके लिए होता है हमारा P इजकल टू वी आई, तो I इजकल टू P अपॉन V होगा, तो 1500 अपॉन 220 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.8 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ वंडरवाल्स गेस द इन्वर्सन टेम्परेचर एट लो प्रेशर इज। तो इन्वर्सन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है लो प्रेशर पर, तो हमारा होता है 2A अपॉन RV, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके अनदर और फॉर्मूले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए, आपको बॉयल टेम्परेचर ए अपॉन आर बी इजकल टू टीबी, क्रिटिकल टेम्परेचर आपका होगा 8/27 TB, और टीबी इजकल टू होगा 3.375 TC, क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वीसी इजकल टू 3B होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है वो ए अपॉन 27 B स्क्वायर होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा टीसी इजकल टू 8/27 RV होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इनफाइनाइट इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन एट डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 16 मीटर 32 मीटर एंड सो ऑन, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्ज आर। तो इसमें क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, अगर देखा जाए तो ओरिजिन पर इसमें पोटेंशियल फाइंड करवा रहा है, ओरिजिन में पोटेंशियल फाइंड करवा रहा है, तो कहने का मतलब है कि हमारा एक बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 16 मीटर इनफाइनाइट तक क्यू चार्ज रखे हुए हैं, तो ये हमें ओरिजिन में पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, तो इसके लिए क्या होगा के क्यू अपॉन वन, इसके लिए क्या होगा के क्यू अपॉन टू, इसके लिए क्या होगा के क्यू अपॉन फोर, प्लस इसके लिए क्या होगा के क्यू अपॉन 16 प्लस डॉट ऑफ इन्फिनिटी। तो इसमें समय के क्यू कॉमन है, तो यहाँ बचा वन, यहाँ वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई 16 प्लस डॉट ऑफ इन्फिनिटी। अब इसमें ये क्या होते हैं, ये सीरीज बन गई है हमारी, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज बन गई है, क्योंकि इसका रेशियो अपन इसका रेशियो निकालें, इसका रेशियो अपन इसका रेशियो निकालें, सेम आएगा, और इस रेशियो को हम बोलते हैं आर, तो आर इजकल टू हो जाएगा 1/T 1/2, और ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, तो इन्फिनिटी सीरीज की हमें जो सम निकालना है, एड निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इजकल टू ए अपॉन 1 - R। अब एस इन्फिनिटी इजकल टू ए, इजकल टू 1 है, 1 - R कितना 1/2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 - 1, तो 1/2 और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो एस इन्फिनिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, एस इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा 2। अब वी नॉट इजकल टू क्या था के क्यू, और इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आई है 2, तो कितना हो जाएगा के क्यू इंटू 2, के की वैल्यू रखेंगे 1/4 πε0 इंटू क्यू इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्यू अपॉन 2 πε0 आ जाएगा हमारा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद अ स्टेडी वेलोसिटी 5 cm/s। कहने का मतलब 8 ड्रॉप्स हैं वाटर की इक्वल, जो 5 cm की स्पीड से गिर रही है, इफ द ड्रॉप कोलेस्क वाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। अगर इनको क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी स्पीड को फाइंड करने के लिए आपको पता होगा जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के,
तो वी वन अपॉन वी टू आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम क्या करेंगे, आर वन और आर टू में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, एट स्मॉल ड्रॉप्स हैं और एक जो आठ मिलकर के एक स्मॉल एक बिग ड्रॉप बन रही है, तो एट स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू वन लार्ज ड्रॉप का वॉल्यूम। तो क्या होगा, एट इंटू फोर अपॉन थ्री पाई आर वन क्यू इक्वल टू फोर अपॉन थ्री पाई आर टू का क्यू। तो फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आएगा टू आर वन इक्वल टू आर टू। अब पुट कर दीजिए, वी वन कितना दे रखा था, फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड, वी टू फाइंड करना इक्वल टू आर वन, आर वन स्क्वायर, और आर टू इक्वल टू कितना है, टू आर वन। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आर वन स्क्वायर हो जाएगा, आर वन स्क्वायर से आर वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी टू इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है 13 का। अब 14 देखते हैं, 14 में डाउट है इसलिए हम 15 पे चलते हैं। व्हेन द प्लेट वोल्टेज अप्लाइड टू अ डायोड वॉल्व इज चेंज्ड फ्रॉम 48 वोल्ट टू 50 वोल्ट, द प्लेट करंट इंक्रीज फ्रॉम 60 मिली एम्पियर टू 70 मिली एम्पियर, व्हाट इज द डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। अब इसमें हमें वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज 48 से 50 हो रहा है, 60 से 70 हो रहा है, तो हमें डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस फाइंड करना, वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी का मतलब डिफरेंस 50 माइनस 48 अपॉन करंट डिफरेंस 70 माइनस 60, तो हमारा होगा 2 अपॉन 10, और ये करंट मिली एम्पियर में है, मिली को हटाएंगे तो 10 पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 कितना होगा, 10 पावर माइनस 2, और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो ये हमारा आ गया 200 ओम। कितना आ गया, 200 ओम। तो इसका ऑप्शन सही है ए। थैंक यू।